और शेख सब को बड़ा बना मुश्रिका दो लाख मुश्रिका सैयद कलमा पढ़ाया हल्का इस्लाम के लिए दाखिल किया मन आई निकलिया समझ ये आती है कि अगर नौशा कलबख्श कादरी आपने वह फैज तकसीम किया जेड़ा आपको हजूर गौस पाक की बारगाह में मिलया और वह फैज हजूर गौस पाक की बारगाह में जेड़ा मिलया वह कोई वखरा नहीं वह फैज है जेड़ा हजूर गौस पाक तक पहुंचा और आया कि बारगाह में जो है वह मदीना पाक की दरगाह में जो आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो फैज मिलया और वह भी फैज जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग की लोगों को कुरान सिखाया हदीस सिखाई और उन्होंने दिल मुनव्वर किए दिल रोशन किए और वो दिल रोशन किए जिन्होंने अगे रोशनी फैलाई और अज तक वो सिलसिला साढ़े तक पहुंचे साढ़े तक आ गया है। सामी ने आजाम फिर इस आयत की तरफ तवज्जो चाहूंगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम अगे इस इस्लाम में फरमाया है कुछ लोगों को बाहर काट दिया है गैर मग़दूब अलैहिम वलाद्दाल्लीन आमीन के रास्ता उन लोगों का दिखा जिन्हों के उत्ते अल्लाह पाक तेरा इनाम होया जिन्हों के उत्ते तूने इनाम किया है उन्होंने लोगों का रास्ता सानू नहीं चाहिए जिहड़े गुमराह हो गए उन्होंने लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन्हों के उत्ते गज़ब होया जिन्हों के उत्ते अल्लाह पाक ने नाराजगी का इजहार किया है तो सामी ने जाऊँ हजूर नौशा कलबख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी चंद छोटी छोटी गल् सुना के मैं इजाजत चाहूँगा जैयद उलमा किराम मौजूद हैं मुकर्रमीन हज़रात मौजूद हैं किबला पीर साहब मौजूद हैं मैं आपको छोटा जहा सबक सुना के इजाजत चाहूँगा तज़किरा नौशाही सिलसिले की एक मोतबर कलमी नुस्खा तज़किरा नौशाही उस एक वाकया मिलता है एक बंदा हजूर नौशा कलबख्श का चर्चा सुनिया तारीफा सुनिया कि बड़े अल्लाह के नेक बंदे कोई वली अल्लाह इस जगह से होंगे चलो ना कोई चलिए कोई दुआ करवाने कोई फैज हासिल करने कोई नसीहत मिल जाती हजूर नौशा कलबख्श बरगाह में आए आपने देखा कि इस जवान में मार्फत खुदाबंदी की तड़प मौजूद है मार्फत खुदाबंदी की तड़प मौजूद है जिस तरह औलिया अल्लाह या अली सब आप दे इस बंदे करंट है वो करंट है जो सुन ही नहीं होता और मार्फत खुदाबंदी की तड़प जिस दिल में है अगर उस दिल को रोशन किया जाए फिर वो सिर्फ वो नहीं रोशन होता बल्कि वो लाज बन के पूरे जहान को रोशन करता है वो बंदा हजूर नौशा कलबख्श की बरगाह में आया फर्ज कर रहा हजूर मैंने बैठ कर मैं आपसे हल्का ही इरादे से भी दाखिल होना चाहता मैं आपका मुरीद बनना चाहता आपने उससे दिल का जायजा लिया बातनी नजर के नाल उसके अंदर का मुआयना किया फरमाया आज चला जा कल आ आज चला जा कल फिर आ और नौजवान आपकी बरगाह में उठा घर चला गया जिस वेला आपकी बस्ती से दूर होया जिसम के हलचल पैदा होगी कलम के सीने के हलचल पैदा होगी हत्ता के धुएं की शक्ल इख्तियार कर गया जिसम के धुआं निकल लग पाया जिस तरह किसी चीज को हद लग बड़ा परेशान पूरी रात जागने गुजारी बड़ी नींद ना आई बड़ी मुश्किल ने रात गुजारी सुबह सुबह फिर हजूर नौशा कलबख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरगाह में जान पहुंचा क्या हजूर रात में मेरे नाल यह वाकया पेश आया है यह वाकया मेरे नाल पेश आया कि मैं थोड़ी बरगाह में उठा तो मेरे जिस्म के गरमाइश हलचल और धुआं निकल गया
और मैं इंतराबी की हालत में बड़ी बेसकूनी की हालत में मैं रात गुजारी है हजूर मैं हूँ मुरीद कर आपने बातनी नजर जो अंदर का मुशाहिदा किया सीने का मुआयना किया फरमाया आज नहीं कल कल आनी नौजवान इसी तरह आपकी दरगाह में उठा घर चला गया लेकिन अजय घर पहुंचा नहीं सी तो सरकार को घर छोड़ के आया सी जिक्र बैठा सी हजूर नौशा का निभा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शकल मुबारक नजर आई जिक्र जिक्र देखा हजूर नौशा का निभा का जलवा नजर आया फिर बड़ी बेताबी नाल इंतजार किया कि सुबह किस वेले होई ना नींद आई देखो जिस वेले हर तरफ मुर्शिद का जलवा नजर आ रहा है कितनी नींद आई लेकिन सबको उसको पूछो हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया आप फरमाने के मैं 40 साल ईशा के वजू नाल फजर की नमाज पढ़ता रहा वजू टूटे ही यानी सुते ही नहीं तो जे जलवा नजर आता रहा तो नींद कितों आ रहा वो जवान घर पहुंचे यह हालत सी कि हर तरफ सैयद नौशा गनीबा करा रहमतुल्लाह तआला अलैह का जलवा नजर आता सी ना नींद आई ना सुकून आया फिर सुबह बड़ी बेताबी नाल बड़ी जल्दी नाल आपकी बरगाह में पहुंचा अर्ज की हुजूर हुण ते गल कर लो मैं एक गल जिस वक्त तुहाडे कोल उठिया जिस वक्त मैं अपने घर की तरफ गया मेरे नाल यह वाकया पेश आया है हर तरफ आपकी सूरत नजर आ रही थी जिस तरफ भी देखता सा आपकी सूरत नजर आती थी अखा खोल कर सदा नजर आती थी अगर अखा बंद कर जाता ता भी आपकी शक्ल नजर आती थी आपने फरमाया अजय कार चला जा कल आवे देखो आज पीर सानू हजरत पीर साहब मौजूद हैं आज आकर की मुलाकात बस आया आज टाइम नहीं कल आ जाए असि बड़े नाराज हो रेंज होने क्यों कि सानू टाइम नहीं दिता शायद भी हर हर गल में हजार हजार हिकमत मौजूद है यह वाक्य सुनावांगा तुहानू पर समझ आएगी कि शायद भी एक गल उस कितनी अहमियत गल और शायद ने अगर वक्त दिता है अगर मोहलत दिखती है वह अपने ही फायदा है अगर दोबारा आने का आख्या है कि अज नहीं अज थोड़ा काम नहीं होएगा कल आओ उस हिकमत है जिस वक्त आपने उस जवान को भेज दिता कि जा घर चला जा कल फिर आ वो जवान घर चला गया कल अजे पहुंचा नहीं तो हर तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आ रहा है हर तरफ नूरे मुस्तफा नजर आ रहा है जिधर देख रहा है नूरे मुस्तफा नजर आ रहा है बड़ी खराबी की हालत और बड़ी खुशनसीबी और बड़ी खुशी भी कि देखो कभी मुर्शिद का दीदार हो गया एक दीदार गुजरी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया दीदार है नहीं एक लम्हे वास्ते हो रहा है नहीं जिस तरफ देख रहा है उस तरफ नबी पाक के दूर का जलवा नजर आ रहा है अखा खोल रहा है तभी नजर आ रहा है बंद कर रहा है तभी यार दूर का जलवा नजर आ रहा है बड़ी मुश्किल ना रात गुजारी इज्तिराबी सी दिल दिल में ख्वाहिश थी कि जल्दी जल्दी मैं हुजूर को पहुंचा जल्दी जल्दी जावा ये ना होता है कि मौत का रिश्ता पहले आ जाए ये कोशिश कि जल्दी जल्दी मैं आपकी दरगाह में जावा और जी अगली पौड़ी है वो चढ़ नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखने के बाद जेड़ा मार होने खुदा बंदी का शौक से दिल में हो गया फिर दूसरे दिन वो जवान सैयद नौशा का पक्ष कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हाजिर है अर्ज की हुजूर हुण ते मेहरबानी फरमाओ मैं कल रात नु फिर भी कीता मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आंदा रहा जिधर गया जिधर देखया आपका जलवा नजर आया हुजूर नौशा का पक्ष रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया अजय नहीं अजय नहीं अजय कच्चा है फिर आपने उसको घर भेज दिया कि जाओ फिर आया कल कल अज रात गुजारो कल फिर आया
ਉਹ ਜਵਾਨ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਬਕ ਤੋਂ ਬਾਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਕੰਜਬਖਸ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਨੇ ਵਹਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਨੇ ਵਹਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰ ਤਰਫ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਯਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਕੰਜਬਖਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਕੰਜਬਖਸ਼ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਅਗਰ ਚੋਰ ਸੁਨਤ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
मकाम तय करवाना सिलसिला कादिया दे विच और शायद दा कम है और सब दा सारे सारे मकाम शायद की तवज्जो ले नाल तय हो कि देखो इस वाक्य दे विच मैं पढ़ के बता दे कोई कि उस जवान ने कोई वजीफा किया हुआ है किसम और जगह पे गया हुआ है नहीं वो अपने घर गया है कोई खास वजीफा नहीं किया लेकिन शायद की तवज्जो सी इतनी कि जवान दे दे विच तस्किया ना फला फिर शायद फला फिर रसूल फला फिर अल्लाह तय करवा के मकाम अल्लाह तक पहुंचा देता उसामी ने मतलब जिस वक्त असी किसी वली अल्लाह के दरगाह पे आने हैं उन्होंने याद के बीच अस इकट्ठे हो गए साडा मकसद ये होना चाहिए कि साडा बातनी तजकिया हो जाए सानू अल्लाह ताला की मार्फत सानू शरीयत की पाबंदी नसीब हो जाए सानू पांच गाना नमाज पढ़ना नसीब हो जाए सानू इस दरगाह को कुछ मिले असी आए आखा की जोड़ी जाएंगे और कुछ लह के जाएंगे आपका फैज खत्म नहीं होया और ना ही क़यामत तक खत्म होना है आपकी औलाद आपका फैज हुण भी तकसीम कर रही है लेकिन सिर्फ कोई तलबगार नजर नहीं आता कोई तलबगार नजर ही नहीं आता हुज़ूर नौशा का निबाख का फैज क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और आपकी तवज्जो के नाल जिस तरह आपने काफ़िरों के दिल को कुफ़्र की मैल धोके उन्होंने इस्लाम के लिए दाखिल किया इसी तरह आप फासिक फाजिर लोगों को उन्होंने दिलों में तवज्जो फरमा के उन्होंने शरीयत का पाबंद बनाने सन और आज क्यों मुमकिन नहीं मुमकिन है साडा तो यह अकीदा है कि औलिया अल्लाह मरते नहीं मियाँ मोहम्मद साहब आपने कभी क्या खूब फरमाया कि वली अल्लाह के मरदे ना ही करते पर्दा खोशी की होया जो दुनिया टुर गए नाल खामोशी कि साढ़े वास्ते वो जिंदा साढ़े वास्ते साढ़े बिच मौजूद साढ़े दिल से उन्होंने तवज्जो है और साढ़े दिल से उन्होंने मेहरबानी भी है लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि आज इन चीज़ों के असि तलबगार नहीं रहे आज इन चीज़ों के असि तलबगार कोई ना रहे अगर वो जवान आया आपकी खिदमत बगैर वजीफे को बगैर किसी वजीफे को बगैर हज तक जाए हो बगैर चिले कटे हो चार दिनों के सदा और बता तय कर दी अज भी यह मुमकिन है सिर्फ वो तलबगार नजर नहीं आ और फला पता है कि अगर इस चीज की समझ आ जाए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु ये अंदर की गल है तो जिस वक्त ये शायद की तवज्जो के नाल ये पढ़ते दिल से उठते उस वेले समझ आती है समझ सानू भी आपके को जिस वक्त शायद की नजर दिल के ऊपर पड़ती है उस वेले बंदे नूं ये चीज समझ आती है कि ये चीज की है ये बाकी दौलत की है अल्लाह ताला ने इंसान के कलब के ऊपर कितनी दौलत रखी है और दुआ है अल्लाह ताला सानू तौफीक दे दे बुजुर्गान दीन के उस से भी शामिल होया अल्लाह ताला सानू शरीयत का पाबंद बनाया फराइज पूरे करने की तौफीक अता फरमाए और जिन्हां जिन्हां साहिबां दे विच सलाहियत है इन्हां चीज़ां दी उन्हां नू इस चीज़ का सच्चा तलबगार बनाए और उन्हां नू इसे बारगाह दे विच फैज़ अता फरमाए वहां